पता इनको फेंक देगा। मैंने उनको फीलिंग दी, वो उनका रंग जो है वो दिन कुछ फेंक लट्ठे की तरह था और करवट भी नहीं बदल सकते थे, हाथ नहीं जा सकते थे, देख नहीं सकते थे, इतने कमजोर। मैंने उनको फीलिंग दी तो वो माशाल्लाह उसके बाद उन्होंने आंखें खोल दी, माशाल्लाह मेरा शुक्रिया अदा किया। देखा तो उसके बाद दूसरे दिन गया तो वो काफी देर तक, उन्होंने कहा कि बस उसी वक्त मुझे आराम आना शुरू हो गया, मैं बिल्कुल अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करने लगा। फिर मैं दूसरे दिन फीलिंग दी, फिर और देर तक, तीसरे दिन दी तो उनका कलर भी बिल्कुल अपना सफेदी के हाथ में गोल्डन अपना रेड होना शुरू हो गया। सही सही सही, माशाल्लाह। तीसरे दिन फीलिंग दी वो फिर गए डॉक्टर साहब के पास, सियालकोट उधर चेकअप आया, उन्होंने कहा कि आप पहले से बहुत बेहतर है, आपके दिल के वाल भी काम कर रहे हैं, सही, कोई ऐसी मसला नहीं, आप बस दवाई जारी रखिए। सही सही, उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने से हीलिंग कराई। सही, और बहरहाल मैंने दो दिन फिर नहीं दी तो मैं फिर तीसरे दिन गया तो उनकी हालत पहले जैसी होगी। फिर मैंने उनको हीलिंग दी, रात को माशाल्लाह मैं गया तो वो इतनी मुझे दवाई दे रहे थे, कहने लगे बेटा आपको रंग का सिस्टा बन गया है मेरे को। मैंने कहा कि बस अल्लाह की मेहरबानी है, आपको शफा मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह, मिलेगी। आप एक हफ्ते तक जुम्मा की नमाज भी आप मस्जिद में जाके पढ़े हैं, माशाल्लाह। उनकी हालत डॉक्टर साहब ये थी कि पूरे मोहल्ले में इंतजार कर रहे थे कि कब बुरी खबर मिलेगी, ऐसी हालत थी उनकी। और आप वो अल्लाह का शुक्र है, और आप जो आपकी दुआएं हैं, आपके तावन से आपने जो हमें जीवन सिखाया है, अल्लाह ताला आपको इतनी जल्दी उम्र दे और सेहत दे कि फिक्र है याद दे आपको। बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। आप वाकई रहमत का फरिश्ता बन के अल्लाह ने आपको भेजा है। बहुत शुक्रिया अल्लाह। और एक और एक्सपीरियंस है, एक लड़का है उसको 4.5 साल से उसका बच्चा पेट खराब है, वो खाना खाता है और वॉशरूम चला जाता है, अच्छा कोई दवाई उसके असर नहीं डाली थी। मैंने उसको आज 8 दिन हो गए फीलिंग करते हुए, अब वो कहता है कि मेरे पेट में ना गैस बनती है, खाना भी हजम होता है, और मैं पहले से तकरीबन 75% पेट ज्यादा हो चुका हूँ। और एक मरीज और है उसके टांगों में दर्द था 1.5 महीने से, वो इलाज करा रहा था, उसको आराम नहीं आ रहा था, पूरे तक दर्द पहुंच गई। मैंने उसको देखा, कहता मुझे मेरी तो मदद करे, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने उसकी मदद भी की और मैंने कहा आओ तुम्हें अच्छी मदद मैं करता हूँ, तुम्हें हीलिंग करता हूँ, उसको हीलिंग दी। उसके बाद मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई मेरी दोनों टांगों में कोई दर्द नहीं है, सिर्फ पूछने में है, कल इसकी हीलिंग से दोबारा जाओ वो भी ठीक हो जाएगा। वो गए शमाली इलाका में, उधर नारायण खारा, उधर सर्दी बहुत है। हाँ बिल्कुल, लाहौर में तो वो सर्दियों में उसको बहुत सर्दी लगती है, उधर से बहुत ज्यादा। सही, तो दादी फोन किया, मैं इधर सर्दी से बहुत ठंडा हो रहा कुछ कर, मैंने उनको चंबा से फीलिंग दे दी वो गर्म करने वाली, उधर उसको तो सुकून मिल गया और मुझे इधर आग लग गई, मेरा सारा जिसम गर्म हो गया। मैं इधर गर्म इलाके में हूँ, पंखे 5 मिनट बाद पंखे की हवा ऐसे थी जैसे लू चल रही है। मैं बहुत घबराया, मैंने कहा ये क्या है। फिर मैं पंखा बंद करके दूसरे कमरे में चला गया, उसकी हवा ठंडी थी। फिर मैंने अपने ऊपर कुछ फीलिंग किया तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं फिर ठीक हो गया और वो उधर सुकून हो गए। सब आपके जो फीलिंग है ये वाकई बहुत पावर, बहुत पावरफुल है। अल्लाह बहुत से मसाइल का हल करते हैं, अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, हमें नए नए नियामतों से हमें इल्म अता करते हैं और नए नियामतों से हमारा सामना होते हैं और नए नियामतें हम पहचान लेते हैं और उनके अपनाते हैं। और अल्लाह ताला की बहुत से नियामतें हैं, बहुत से अच्छे नियामतें हैं, लेकिन चूंकि हमें पता नहीं, वो इस वजह से हम इस जुज़ों को समझने की सलाहियत नहीं हमें, तो बस यही वजह है और कोई वजह नहीं है कि हम अब, तो अब भी दुनिया में अभी आपकी बात जी मैं
मेरी बहन है उसको सर दर्दरी कभी जाता था, नजला जुकाम लग गया है, बुखार आ रहा है। मैंने उसको सिर्फ 2 दफा खेली, आज 3 महीने हो गए हैं। वो कहती है कि मुझे तो ये कभी बीमारी लगी ही नहीं थी, मैं ऐसी होगी सही मुझे पता ही नहीं कि बीमारी क्या चीज है। सही 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 बिल्कुल सही बिल्कुल शिफाया सही। मेरा खुद ये हाल है, मैं 12 साल से पेन पेन मेरी सारी बॉडी पेन की रहती, सही सही पता नहीं मैं मुझे क्या हो गया, थका थका था, जिसम दर्द करता, तो बहुत तकलीफ। जब से मैंने ये इलम सीखा आपसे उस दिन से आज तक मैं ऐसे हूँ जैसे कि मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं। सही सही माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ी बात मैं है आप मेरा पिए ना तो जी। उसमें तो बहुत कुछ है, बहुत सही सही बिल्कुल सही कुछ है। बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको और खुशियाँ दे और ताकत अता फरमाए और सुकून अता फरमाए। अच्छा वो एक आपकी मैंने किताब पढ़ी थी उसमें एक है लेवल जो फूंक मारने से बीमारी चली जाती है। हाँ जी बिल्कुल फूंक मारने से भी चले जाते हैं जो ये जो है समदा वो वाला मैं सीख सकता हूँ। समदा 3 है और समदा 6 है ना। आपने कितने लेवल किए हैं? मैंने एक HMFT 2 की है, HMF 2 के और दूसरे कितने लेवल किए? 8 तक किए हैं। तो फिर तो माशाल्लाह आपके बहुत माशाल्लाह बहुत वो आपके अच्छा पास। डॉक्टर मैं अपना एक और तजुर्बा बताऊँ। ये जो समझा लेवल जो है इसमें 7 की फिगर बहुत ज्यादा है ना, बिल्कुल और बिल्कुल सर मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो टाइम ऑफ बर्थ वो भी 7 है, शाम के 7 है, डेट भी 7 है और मंथ भी 7 है, वो टोटल का जो निकलता है ना टोटल अगर वो भी 7 बनता है। सही सही और 7 जो है वो तो यूरोप में बुजुर्ग नंबर माना जाता है ना, और खाना खाते का आदर भी 7 है, और मक्का मक्का शहर का आदर भी 7 है, और आसमान भी 7, जमीन भी, और दिन भी हफ्ते के 7, साल के हफ्ते भी 52, वो भी 7 का बहुत तकरार। और मैंने तजर्बे में आया कि मैं जब 7 दफा से दुआ करता हूँ ना वो बहुत पावरफुल होता है। सही बात है बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह कबूल कर लेते हैं और अल्लाह कबूल हाँ फरमाते हैं बिल्कुल। से 7 की आदत तो 7 जो है ये तो एक फ़लसफ़ा है बहुत बड़ी फ़लसफ़ा हाँ है बहुत बड़ा इलम है। 7 की आदत पे अगर इंसान फोकस्ड रहे और 7 की आदत पे अगर इंसान कुछ हाँ चीज़ें हैं जो कि बहुत सी चीज़ें दरियाफ्त हो जाती है लेकिन तर्ज सही हो और उसके कोई इस तरह के रहनुमा हो कोई सही तरीके से तो अल्लाह ताला बहुत सी चीज़ें यानी 7 जो हम रील की जो 7 एनर्जीज है हाँ जी, सेवन मेरे नाम का एनर्जी आदत भी साफ निकलता है। जी और फिर समदा के जो लेवल्स है ना हाँ उसमें भी मुख्तलिफ 7 7 की बड़ी आदतें हैं और बहुत से आदतें इस तरह के जील साइंसेस में खास तवज्जो है 7 की आदत को। अब साइंटिफिकली अगर हम देखें कि 7 की आदत क्या है तो 7 की आदत में मजाहब में तो बहुत सारा उसको तरजीह है लेकिन अगर साइंस के हवाले से भी हम देखें तो 7 की आदत में बड़ा अच्छा है। 7 की आदत किसी भी चीज़ पे आप रखते हुए तो 7 जहाँ पर आते हैं उसमें बरकत होती है अच्छाई होती है खूबी होती है। 7 का आदत जो है एक मलाइम सा है और एक लतीफ़ सा है देखो जी बिल्कुल। मैंने तजर्बा, मैं सऊदी अरब में भी काफी अच्छा रहा हूँ, दुबई में भी रहा हूँ, मेरे तजर्बे में आया कि मेरी रिस्पेक्ट बहुत होती है, सही बिल्कुल सही बहुत रिस्पेक्ट है मेरी, बहुत फेवर करते हैं लोग मेरी, और हालांकि मैं उनको कुछ देता नहीं हूँ, उनको माशाल्लाह पहली चीजों में बहुत रिस्पेक्ट है और एंड तक रिस्पेक्ट रहती है। सही 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 बहुत अच्छी बात है बहुत कितनी अच्छी। बड़ी चीजें हैं, और ये आपके जो आपने इलम अदा किया हमें वो भी उसके वो के छोले पे स्वागा हो गया ना मेरे साथ।
जी जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है, बहुत अल्लाह आपको। अभी अभी जो गुजरा वाले ने हमारी एक क्लास का लोग, उसका बेटा बड़ा नाफरमान, तो उन्होंने कहा कि भाई आप इसको ड्रिलिंग करें टेंट में। मैंने उसको की तो आगे ड्रिलिंग टेंट की, तो वो कहती है कि वो बहुत अच्छा हो गया, वो बहुत प्यार करने वाला और अपनी गलतियों की माफी मांग रहा है कि अभी मैंने आपके साथ बड़ा बुरा सलूक किया है, जी टाइम नहीं है और दूसरी कॉल पे बहुत होल्ड पे हैं, लेकिन चूंकि हम उसको भी नहीं ले सकेंगे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त नहीं है। इंशाल्लाह फिर बात करेंगे ज़रूर, बड़े अच्छे बातें कही आपने, ज़रूर हमसे बात करते रहें, अपने तजुर्बात हमसे शेयर करते रहें और नाज़रीन को इसी तरह मुफीद मालूमात ज़रूर देते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन टाइम का वक्त वक्त कम है और हमारा प्रोग्राम ख़ात्मे को है, क्योंकि हम बात कर रहे थे शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल पे। कॉलर इतनी अच्छी बातें करते हैं और इतने अच्छे तर्ज भी बताते हैं आपको, इसी तरह आप भी हमारे गुफ्तगू में लाजमी शरीक हुआ करें, हमें कॉल किया करें। और बेहतरीन तरीका इलाज जो है जो नेचुरल है, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ज़रूर आजमाएं, दूसरी तरीक़े को मत छोड़ो, उनको साथ साथ आइए समदा हीलिंग एनर्जी, आइए एक बार और समदा को अपनाएं, क्योंकि समदा हीलिंग एनर्जी से शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल ठीक हुई है, नॉर्मल हुई है और नेचुरली हमेशा के लिए हुई है, अल्लाह ने ठीक किया है, तो इसलिए मायूसी के ज़रूरत नहीं है। आइए आप, एक आप नहीं होते हैं उसमें, 100-200 लोग होते हैं जो कि आपके साथ होते हैं, 100-200 लोग अल्लाह ताला उनको एक दिन में शिफा दे देते हैं। अगले दिन आते हैं आप, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताएं आपकी शुगर, आपके ब्लड प्रेशर या जो आपके कोलेस्ट्रोल है ये नॉर्मल हुई है कि नहीं। अगले दिन मैं आपको बताता हूँ क्या फ़वाद आप बता देते हैं, और इसी तरह अल्लाह ताला आपके वजूद से नेचुरली नेचर, जब नेचर की तरफ से जब कोई इंसान ठीक होता है, अल्लाह की तरफ से जो इंसान ठीक होते हैं वो हमेशा के लिए फिर रिमूव हो जाते हैं। कभी कभी अगर आते हैं बीमारी तो आप तर्ज अपनाते हैं, वापस चले जाते हैं, इसी तरह जैसा कि हम डॉक्टर के पास एक बार जाते हैं फिर बार बार जाते हैं, या बार बार दवाई लेते हैं या सारी ज़िंदगी लेते हैं, समदा भी ऐसा ही है। तो आप इस तरह लेते हैं तो बस आप क्लियर हो जाता है, क्योर हो जाता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, करोड़ों लोगों ने फ़ायदा उठाया, कोई एक ज़रिए बराबर कोई इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप ज़रूर अपनाएं, या किसी भी हमदर्दी करके कोई अगर इस मरज में मुफ्तला है उसको बुलाएं, अपने डॉक्टर अब्दुल समद को इजाज़त दें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, फ्यूचर गोल्स सेटिंग्स, फ्यूचर गोल सेटिंग्स हमारा मौजू होगा कि हम यानी मुस्तकबिल में हम अपने अहदाफ को कैसे अचीव करें। अल्लाह हाफिज़। वॉच मी ऑन हैक टीवी इन हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम every morning at 8 am and repeat at 11 pm budh aur hafte ko raat 1 baje aur baki dinon mein raat 11 baje repeat honge karachi pindi islamabad aur lahore mein hum se rabta kare aur kudrati tarike se apna ilaaj kare jiske koi muzir asraat nahi hai by our most powerful healing energy samda and our most successful formula HMN Allah taala ne aise jismani aur nafsiati bimariyon ka ilaaj kiya aur aise masail ka hal kiya jo duniya hairan hai mere tajrubaat tahqiqat aur tahreeron se bhi aap mustafeed ho sakte hain depression ka jadid tareeqa ilaaj samda healing energy
माहराए उलूम का खुलासा और अमल, शिफाई तवानाई की पोशीदा दुनिया और जिल साइंसेस। फाइंड मी ऑन गूगल, यूट्यूब एंड फेसबुक। कॉन्टेक्ट अस एंड विजिट समदाहिलिंग.com।